गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा छठी में धातु रूप सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे पट धातु लट लकार। लट लकार क्या होता है? लट लकार वर्तमान काल, जैसे आप इंग्लिश में कहते हो प्रेजेंट टेंस। ता है, ती है, ते है, जो प्रेजेंट में बात चल रही है उसको ये अनुवाद बनाने में बहुत सहायक है। जैसे देखिए, सबसे पहले वो कट गया। लट लकार वर्तमान काल, जिसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सबसे पहले हम पुरुषवाचक, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसी आपको टेबल बनानी है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, जो हमने अभी सर्वनाम में भी आपको बताया था। उत्तम पुरुष जो अपने लिए होता है, मध्यम पुरुष जिसमें तुम का प्रयोग किया जाता है, प्रथम पुरुष होता है जिसमें अन्य पुरुष की बात। जैसे हिंदी में ऊपर से था, संस्कृत में हम सबसे पहले उत्तम पुरुष नीचे आता है, मध्यम बीच में आता है, फिर प्रथम पहले पे आता है। पठती, पठते, पठंती, पठसी, पठते, पठत, पठामी, पठावे, पठामे। इसका मतलब है वह पढ़ता है, वह दो पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। वह पढ़ता है, वह दो पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। अब यहाँ पे मध्यम पुरुष किसके लिए प्रयोग किया था? तुम के लिए। तुम पढ़ते हो, तुम दो पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष अपने लिए यूज किया जाता है। मैं पढ़ता हूँ, हम दो पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। तो जब हम अनुवाद बनाते हैं तो हमें इसकी बहुत सहायता लेनी पड़ती है। अब पट धातु यहाँ पे लगाई और ती, अगर हम कोई भी धातु बना सकते हैं, ये याद करना है हमें। ती, ता, अंति, सी, थ, था, आमी, आवे, आमे। अगर हम इसके ती के आगे हम हस लगा दें तो हस्ती का बन जाएगा। हस्ती, हस्ते, हसंती। क्रीड, क्रीडति, क्रीडते, क्रीडंती। ये आ नहीं लगाना, आ इसी के साथ आ जाएगा। क्रीड अंति। क्रीडसी, क्रीडता, क्रीडत। क्रीडामी, क्रीडावे। गलत हो गया, गलत हो गया।